ओए मुंबई टीम से बाहर होके हार्दिक कैप्टन बन जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था भाई। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर अब अच्छा लग रहा है। चहल टीवी में आपका स्वागत है, कैसा लग रहा है हार्दिक कैप्टन बनके? मुझे अब अंदर से एमएस धोनी वाली फीलिंग आ रही भाई। अब देखना मैं कैसे विकेट कीपिंग करके सबके स्टंप उखाड़ दूंगा। अब तो मुझे बॉलिंग भी करने की गरज नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक रहूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, सबके सब मेरे सुनेंगे बस। पहली बार किसी ने मेरे जवाब का सही सवाल दिया, मेरा मतलब पहली बार किसी ने मेरे सवाल का सही जवाब दिया। अच्छा है, अच्छा है, अहमदाबाद का दामाद अच्छा है। अब तो तुझे रोज जलेबी फाफड़ा खाने को मिलेगा, तेरी लाइफ झिंगा लाला, मुन्ना तू अब हमें भूल जाएगा। आप लोग मुझे भूल गए थे, मैं किसी को नहीं बुलाता। अब जब मेरे अच्छे दिन आए तो आप लोग मुझे चाय भी बुला रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अब चाय और कॉफी नहीं पीता, अब मैं नारियल पानी पीता हूँ। मुझे बचपन से इच्छा थी कि हार्दिक पांड्या एक दिन कैप्टन बने, और आज वो कैप्टन बन गया और मेरी इच्छा चना पूरी खा के पूरी हो गई। आपको चना पूरी पसंद है, मुझे तो दही पूरी पसंद है। शर्म करो शर्म करो, यहाँ हार्दिक अहमदाबाद का कैप्टन बन गया और आप लोग पानी पूरी की बात कर रहे हो। हम पानी पूरी की बात नहीं कर रहे भाई, लेकिन मुझे पानी पूरी पसंद है, इसलिए मैंने कहा शर्मा जी। मैं यहाँ कैप्टन बन गया और आपको पानी पूरी की पड़ी है, संताप आ गया मुझे आपका। तो फिर क्या हम कॉफी की बात करें? अरे भाई डांटते क्यों, डांटते भी हो दिल पे भी लेते हो, मैं तो मजाक कर रहा था। कैप्टन बनने के बाद सीरियस होते, मजाक नहीं करते। अब देखना मेरे कप्तानी का पावर, सारे कप्तानों को फेल कर दूंगा मैं, सब लोग मेरे सामने आके कप्तानी की टिप्स पूछेंगे, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा तो हार्दिक हम सबसे बड़ा कैप्टन बनेगा तू, हाँ अच्छी बात है, सुन के तो अच्छा लग रहा है। माही भाई मैं तो डिंगे हाक रहा था भाई, मेरा आपसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो हमसे कॉम्पिटिशन है ना, हमें क्या चोलू बोलू समझ रहा है? नहीं भाई आपसे नहीं भाई, वो बोल के मेरी जुबान केसरी हो गई है इसलिए फिसल गई। ना मुन्ना ना, कप्तानी का गुरू छा गया तेरे ऊपर, तेरे से अभी कट्टी लेना पड़ेगा। नहीं भाई मैं आपसे पंगा क्यों लूंगा, मैं अगर आपसे पंगा लूंगा तो दंगा हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था जितने तेजी से तू ऊपर जाएगा उतने ही तेजी से नीचे भी आएगा। लगता है आप लोग मेरी पोर्टफोलियो की बात कर रहे हो। तूने कब शेयर खरीदा रे? मैंने बस स्टॉक खरीदा भाई, वो भी पेनी स्टॉक खरीदा, आज 35 रुपए के नुकसान में हूँ मैं। नो 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 नो।